बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख्वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारामद साबित होगा जो स्टेम PMA 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा LCC की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये लेक्चर अहमियत कामिल है, और जो लेक्चर भी 146 PMA लॉन्ग कोर्स का बनाता हूँ LCC में भी मामन साबित होगा। इसके अलावा DSSC जो आर्मी एजुकेशन कोर में स्पेशली जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको भी चाहिए कि डेली बेस पर लेक्चर सुना करें, और जो स्टूडेंट GDB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बड़ी अहमियत कामिल है। आज चूँकि संडे है, जुलाई की 5 तारीख है, तो संडे को आज टेस्ट नहीं है, तो लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी लिखवाऊंगा बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आप लिख लें और याद कर लें इनके आंसर्स, यकीन ये आपको इंटरव्यू में भी मदद देंगे जी। टॉपिक आप समय लिख दिए, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, ये टॉपिक है आज का हमारा। और स्टूडेंट मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होना चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है तो लिख ले 03445969150। इस पर आप अपना नाम, शहर का नाम मुझे लिख के व्हाट्सएप करें ताकि आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूं। और जिन स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं 03445969150 पे जी। इस लेक्चर को आप सुन लें, सिर्फ सुनेंगे, 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस उम्मीद है कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहला ये कि सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कौन सा है, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची है, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर कराची है। सबसे बड़ा बिराज पाकिस्तान का कौन सा है, सक्खर बिराज। सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है पाकिस्तान की, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का, कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है पाकिस्तान का, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इज HBL हबीब बैंक लिमिटेड। सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान का कौन सा है, तरबेला डैम, जो कि दो ज़िले इसके साथ लगते हैं, एक सवाबी और एक हरिपुर, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये शामिल है, ठीक है। सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि सहरा कौन सा है पाकिस्तान का, सिंध में वाक़ है, इसका नाम है थर। सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है, कलाद डिवीज़न है, कलाद बलूचिस्तान में। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पाकिस्तान का, खुजदार है, बलूचिस्तान में। सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो कौन सा है, रानीकोट फोर्ट। इसके अलावा ये बताइए कि गैस फील्ड जो है सबसे लार्जेस्ट पाकिस्तान की कौन सी है, सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान। सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है पाकिस्तान का, सरकारी लेवल पे, सरकारी सतह पे। सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरकारी सतह का निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट कौन सी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान स्टील मिल्स। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे बड़ा आईलैंड कौन सा है पाकिस्तान का, मनोड़ा, मनोड़ा किधर है, कराची में। सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान का कौन सा है, छांगा मांगा, छांगा मांगा कहाँ पे है, कसूर में। सबसे बड़ी लेक आर्टिफिशियल जो है वो कौन सी है, मसनूई जो है, मैन मेड जिसे कहते हैं, ये कल भी बताया था मैंने आपको, किंजर, किंजर लेक है सिंध में। और जो नेचुरल लेक सबसे बड़ी है वो है मंचर, ठीक है, और ये मंचर लेक दादू में, ये भी सिंध में है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है पाकिस्तान की, जिसमें सबसे ज़्यादा बुक्स हैं, द पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर। सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है पाकिस्तान का, कायद आज़म म्यूज़ियम। सबसे ज़्यादा बड़ी जो
माइन है वो कौन सी है, खेवड़ा साल्ट माइंस। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है पाकिस्तान की, शाह फैसल मॉस्क, शाह फैसल मस्जिद कहाँ, इस्लामाबाद में। मोटरवे सबसे तवील कौन सी है, लॉन्गेस्ट मोटरवे कौन सी है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। म्यूजियम कौन सा सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, नेशनल म्यूजियम कराची। सबसे ज़्यादा जो अखबार है, ठीक है, फैली हुई अखबार न्यूज़पेपर लार्जेस्ट, वो कौन सा है, जंग उर्दू और द न्यूज़ इंग्लिश, उर्दू में जंग और इंग्लिश में द न्यूज़। ठीक है, सबसे बड़ा पार्क कौन सा है पाकिस्तान का, अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी। सबसे बड़ा सूबा कौन सा एरिया के लिहाज से, बलूचिस्तान। पापुलेशन के लिहाज से पंजाब। सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद में। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का लाहौर रेलवे स्टेशन है। एथलेटिक्स गेम के हवाले सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है एथलेटिक्स का, कहाँ है, इस्लामाबाद में। क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौन सा है, जो स्टूडेंट क्रिकेट के शौकीन हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, नेशनल स्टेडियम कराची। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। सबसे बड़ा जो टीवी स्टेशन है, ठीक है, वो कहाँ वाक़ है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद में। टीवी बूस्टर सबसे बड़ा ठंडियानी के मकाम पे, ठंडियानी पंजाब में आते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है पाकिस्तान की, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अभी हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है पाकिस्तान का वो किस मुल्क के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। इसकी जो लंबाई है वो है 2252 किलोमीटर, ठीक है, फ्रंटियर भी कहते हैं इसको। रेलवे प्लेटफार्म सबसे लॉन्गेस्ट, रोहड़ी सिंध लॉन्गेस्ट सबसे है ये रेलवे प्लेटफार्म पाकिस्तान का, रोहड़ी सिंध के मकाम पे, ठीक है, सिंध सूबे में रोहड़ी के मकाम पे, और इसकी जो लेंथ है वो है 1894 फीट। रेलवे ट्रैक जो है पाकिस्तान का सबसे तवील लॉन्गेस्ट, कराची टू लंडी कोतल। सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है पाकिस्तान में, कराची टू पिशावर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान का, रिवर इंडस। लेंथ इसकी मैंने कल बताई थी, ठीक है, दोबारा मैं बता दूँ, 1800 माइल्स, किलोमीटर मैंने कल बताया था, आज माइल्स में बता दिया, 1800 माइल्स। सबसे लॉन्गेस्ट टनल, रेलवे टनल कौन सा है पाकिस्तान का, वह है खोजक, खोजक के मकाम पे बलूचिस्तान में, और इसकी जो लेंथ है वह है 243 माइल्स। सॉरी 2.43 माइल्स, तकरीबन ढाई के करीब बनती है, ढाई माइल, बारह एग्जैक्ट आपको फिगर याद होनी, 2.43 माइल्स खोजक टनल। इसके अलावा ये बताइए कि टनल जो रोड के है वो कौन सा सबसे है? वो रेलवे का मैंने बताया आपको, और रोड का जो टनल है वो है लवारी टनल, इसकी जो लेंथ है वो है 5 माइल्स। वाटर टनल कौन सा सबसे तवील, सबसे लॉन्गेस्ट, वारसक डैम टनल, इसकी लेंथ है 3.5 माइल्स। अब बात करते हैं द टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट, बिल्डिंग के लिहाज से देखा जाए तो एमसीबी टावर, हाइट इसकी है 116 मीटर और 29 स्टोरीज हैं इसके अंदर। टावर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टावर मीनारे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में। इसके अलावा माउंटेन पास, मुजदाक पास, माउंटेन पीक, केटू, कराक्रम, ठीक है, केटू सबसे जो ऊंचा पहाड़ है पाकिस्तान का, केटू है जो कराक्रम रेंज में आता है। रेलवे स्टेशन देखा जाए तो खान मेहतरजई, ठीक है,
इसके अलावा रोड देखा जाए तो कुरकुरम रोड विच कनेक्ट कश्मीर विद चाइना। अब आइए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की वीडियो देखते हैं। डिस्कशन के लिहाज से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट करें। ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, आपको मैं फिर मैसेज करूँगा, तो ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन करें। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स के ख्यालात दिए गए टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकाश है और मैं रावलपिंडी से हूँ। ये मैंने दो दिन पहले सारे इमरान से नोट्स मंगवाए थे इनिशियल के, तो जो आज मुझे रिसीव हो गए हैं। मैंने भी ये पढ़े हैं, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि यही नोट्स लें, क्योंकि सर ने इसमें बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ ये नोट्स तैयार किए हैं। उज़बिल्लाह मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजम्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तानी ख़वातीन को ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। पाकिस्तानी ख़वातीन नहायत बहादुर, दलेर और टैलेंटेड ख़वातीन हैं। इन्हें ज़िंदगी के हर उस शोबे के अंदर होना चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। और मैं कुछ ख़वातीन की मिसालें देना चाहता हूँ कि वो ख़वातीन जो सियासत में आई, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे वो फातिमा अली जिन्ना हो या बेनज़ीर भुट्टो। अगर वही ख़वातीन फ़ौज के अंदर आई हैं तो उन्होंने मरियम मुख्तियार जैसा नाम कमाया। और वो ख़वातीन जो कि दूसरे शोबों के अंदर गई हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज था उसे दुनिया के सामने पेश किया। और बिल्कुल ओलंपिक्स के अंदर जाना चाहिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। और ओलंपिक्स के अंदर जाके तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक गोल्ड लेके आते हो, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड लेके आते हो, और ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करके आए। आपको जो आपका मुल्क है वहाँ झंडा लहराने का मौका मिलता है, और इससे ज़्यादा प्राउड की बात कोई नहीं होती। पाकिस्तानी ख़वातीन को बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर ये देखा गया कि मुख्तलिफ खेल ऐसे हैं कि जहाँ हिजाब यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन बेशक ना जाएं, क्योंकि इस्लाम हमें पर्दे का दर्स देता है। वरना हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन कुछ को मैंने देखा कि वो गई तो हुई हैं ओलंपिक्स के अंदर, उन्होंने मुकम्मल हिजाब पहना हुआ है, चाहे वो फुटबॉल खेल रही हों या दूसरे मुकाबले हों, उन्होंने हिजाब को पहना हुआ है। पाकिस्तानी ख़वातीन को बिल्कुल जाना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है और यहाँ के लोगों के अंदर जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं वो दुनिया को पता चल सके, और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रोशन हो सके। और पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है, ये मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, और पाकिस्तान की तरक्की में इनका इतना ही हाथ है जितना कि एक मर्द का हाथ है। मैं ये गलत नहीं है कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तानी ख़वातीन नहायत दलेर, बहादुर और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ख़वातीन हैं। इन ख़वातीन ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आरफा करीम जो कि एक छोटी सी पाकिस्तानी लड़की, उसने पूरी दुनिया को बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। और इसके अलावा मलाला यूसुफ़ज़ई ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान किस तरह अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरह वो दहशत गर्दों से लड़ रहा है। और पाकिस्तानी अफवाज में जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी यही मैसेज देना चाह रही हैं कि पाकिस्तान कभी भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की ख़वातीन दुनिया के हर शोबे के अंदर और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, और पाकिस्तानी ख़वातीन को बिल्कुल ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और एक प्राउड मोमेंट फील करवा सकें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में जाकर इतने मुल्कों को पीछे छोड़कर इतना बड़ा इनाम लेके आया। और आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेटर चांस, पाकिस्तानी ख़वातीन को बिल्कुल ओलंपिक्स के अंदर जाना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने पेश करें और साबित कर दें कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। अब दूसरों को मोटिवेट करें और इंस्पायरेशन दें कि हम कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। इन्हीं ख़वातीन को देख कर जो हमारी दूसरी माएँ बहनें हैं उनके अंदर एक जुरत पैदा होती है, वो उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और इन मुकाबलों के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है और बहुत सी ख़वातीन बाहर निकलेंगी जो उनके अंदर टैलेंट है, ताकि वो भी अपने अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तानी ख़वातीन पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखा रही हैं और इंशाल्लाह दिखाती रहेंगे। मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी माओ बहनों को सल्यूट पेश करता हूँ और एक खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखा रही हैं, चाहे वो खेल हो, सियासत हो या किसी और चीज़ के अंदर। थैंक यू। और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आरफा करीम जो कि एक छोटी सी पाकिस्तानी लड़की, उसने पूरी दुनिया को बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। और इसके अलावा मलाला यूसुफ़ज़ई ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान
किस तरह अपनी ख्वातीन को प्रोटेक्ट करता है और किस तरह वो दहशतगर्दों से लड़ रहा है। और पाकिस्तानी अफवाज में जितनी भी ख्वातीन हैं वो भी यही मैसेज देना चाह रही हैं कि पाकिस्तान कभी भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की ख्वातीन दुनिया के हर शोबे के अंदर और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और पाकिस्तानी ख्वातीन को बिल्कुल ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और एक प्राउड मोमेंट फील करवा सके पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में जाकर इतने मुल्कों को पीछे छोड़कर इतना बड़ा इनाम लेके आया। और आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेटर चांस, पाकिस्तानी ख्वातीन को बिल्कुल ओलंपिक्स के अंदर जाना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने पेश करें और साबित कर दें कि ख्वातीन किसी से कम नहीं है। अब दूसरों को मोटिवेट करें और इंस्पायरेशन दें कि हम कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। इन्हीं ख्वातीन को देखकर जो हमारी दूसरी माएँ बहनें हैं उनके अंदर एक जुरत पैदा होती है, वो उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और इन मुकाबलों के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते हैं और बहुत सी ख्वातीन बाहर निकलेंगी जो उनके अंदर टैलेंट है ताकि वो भी अपने अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तानी ख्वातीन पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखा रही हैं और इंशाल्लाह दिखाती रहेंगे। मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी माओ बहनों को सल्यूट पेश करता हूँ और एक खराज तहसिन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखा रही हैं, चाहे वो खेल हो, सियासत हो या किसी और चीज़ के अंदर। थैंक यू। मैंने सर इमरान सर का नोट्स मंगवाए और देखे पढ़े तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं उन तमाम दोस्तों को ये रिकमेंड करता हूँ जो अपना पीएमआई सोशलिस्ट का कोर्स में इनिशियल टेस्ट पास करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुफीद और बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, बहुत हेल्पफुल है। इसमें हर वो चीज़ सर इमरान सर ने बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है, बहुत मेहनत की है और हर उस चीज़ को टच किया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है जो इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं अपने तमाम साथियों को रिकमेंड करता हूँ कि ये नोट्स ज़रूर मंगाए इमरान सर से और ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि यूट्यूब पे उसका चैनल भी है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो इसलिए ये सर इमरान सर के नोट से ज़रूर ही मंगवाए और इसके बगैर इनिशियल टेस्ट पास करना मुमकिन नहीं है। थैंक यू, वसलाम।